जमाई राजा। अरे भाई इन्हें नीचे तो उतारो, मुझे अपने जमाई को टीका करना है। टीका करना है कि उसकी नाक खींचनी है? अरे आपने मेरी नाक क्यों खींची? हमारे यहाँ दूल्हे के पापा की नाक खींचने का रिवाज है। तो हमारे में क्या है, समधन का कान खींचने का रिवाज है। अरे टप्पू देखो टीना आ गई। शुभ मंगल सावधान। मेहता साहब, ये शुभ मंगल सावधान क्यों बोलते हैं? अरे मिसेज हाथी समझो, पंडित तो हमें बहुत समझाने की कोशिश करता है, सावधान हो जाओ, बचो शादी से, पर हम एक समझते ही नहीं, समझे? थैंक यू। मेहता साहब, ब्याह तो बाद कुछ पीने पीन का भी प्रोग्राम होएगा। अरे सोडी क्यों नहीं, जरूर होगा, पर इतने नहीं होए। फिर जेठालाल से अलग से पार्टी मांगेंगे। देगा ना 100%। मैं भी हूँ अब्दुल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा। हाँ, अब दूल्हा दुल्हन को हार पहनाइए, लीजिए। पहले मैं आया था। पहले मैं नहीं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, नहीं पहले मैं, नहीं। टपो टपो, पहले उसे पहनाने दे। हाँ चल अब पहना दे तू। हरि ओम। भद्रम कर्णे भीषुण्याम देवा भद्रम पक्षे माक्षवीरजसा श्रीरंगै सृष्ट्वा गंसल्तनुवीरसेन। अरे अय्यर साहब, कार चलाओ, डकार मत चलाओ। खाने में बड़ा मजा आ गया। लेकिन सोडी भाई, मुखवास के लिए भी जगह छोड़ी है कि नहीं? और मेहता साहब, सोडी दी गड्डी है, जितनी भी ओवरलोड है जल्दी जानी है। अभी तो चले। चलो खुशबू है बिल्कुल। ओ खुदाए, वाकई बहुत ही अच्छा खाना था। लेकिन अचार कुछ अच्छा नहीं था ना? क्यों माधवी जी, ऑर्डर आपको नहीं मिला इसलिए? बबीता जी आप। अब मेरे का वक्त हो चुका है। लक्ष्मी पापात्मन एक मिनट महाराज जी। मम्मी <मुझी। laughs>
ये भाई अभी बाथरूम जाने का टाइम है। या भाई ये तुझे हर चीज में प्रॉब्लम है बहू। हाँ। जा टप्पू को बाथरूम लेके जा। हाँ हाँ। चल बेटा। अरे संभल के टप्पू संभल के। आओ बेटा। भैया को मालूम भी है बाथरूम कहाँ है? हाँ यहाँ आते ही सबसे पहले वही ढूंढा था। लाओ लाओ लाओ। अब कंफर्टेबल है ना टप्पू? हाँ। ओ चलो चलो गजानन तो एक मैं कितना हुआ था गिना था पहले तो गड़बड़ नहीं होने जा ज्यादा कम हो कुछ। अरे दो चार ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। देखिए समधी जी, हमारी बेटी को जो भी चाहिए, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, जब भी चाहिए आधी रात को भी मांगे तो खिलाइएगा। हाँ हाँ। देखो मैंने मेरी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, उसको डराना धमकाना नहीं, वरना तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। हाँ भाई हाँ, गुंडे मवाली से और क्या उम्मीद रख सकते हैं? चलो ना जल्दी, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ मम्मी मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हाँ। मुझे भी आ रही है, चलो भाई। अरे बेटा विदाई के वक्त तुमको रोना नहीं आ रहा? नहीं। अरे बेटा रोना तो पड़ता है वरना लोग क्या सोचेंगे। हाँ बेटा आप झूठ मूठ का ही रो दो। अरे बबीता दया, तू क्यों रो रही है? तेरी विदाई नहीं है। इसे रोते देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अभी कैसे भी करके रोक ले अपने आप को, घर चलते फिर घर पहुंच के हम दोनों साथ में रोएंगे। जेठालाल जल्दी करो, रात को 12 बजे सोसाइटी का गेट बंद हो जाएगा। बाप रे सुनो सुनो। बस बस चलो भाई, सब काम ठीक हो गया है सुंदर? बहुत अच्छी तरह से शादी संपन्न हो गई। भाई भांजा तेरा है। जेठा उठ घर आ गया। अरे जेठिया उठ। हाँ। क्या सोते रहता है बकासुर की तरह, उठ। पप्पू जी क्या है, अभी टप्पू की शादी हो गई, बहू भी आ गई, अब मैं ससुर हो गया, अब तो यार बकासुर बकासुर बोलना बंद कीजिए। चल चल अबे, तू ससुर नहीं असुर है, असुर। चलो आओ भाई जेठालाल। आइए जीजा जी। जीजा जी शादी में बहुत मजा आया। तुमको तो आया था ही ना भाई, तुम्हारे लिए सब फोकट में था। क्या अब भी, मेरे भाई ने शादी में कितनी मेहनत की है, उसकी तारीफ करने की बजाय आप इसे डांट रहे हैं। अरे दया भाभी जेठालाल टाइम तो देखो भाई, किसी तो भी समय शुरू हो जाते हो, अभी घर जाके लड़ना, इन बच्चों की हालत देखो, थक गए सब, कैसे थक रहे। सोड़ी भिड़े घर जाओ भाई, बच्चों को सुलाओ तुम लोग। हाँ ओके जी आओ जो। चलो जेठालाल मैं भी निकलूँ। हाँ बस जाना है। हाँ यार बहुत थक गए। ठीक चलो आराम से बताइयो एक बार फिर। चलो जीजा जी मैं भी निकलता हूँ अहमदाबाद के लिए। निकलो निकलो। क्या अभी इसी वक्त? अरे रहने दो, कल जाना अहमदाबाद, अभी घर पर रुक जाओ। अरे वो जा रहा है तो जाने दो, अभी बेचारा थक गया है, तो घर जाकर सोने दो। निकल भाई निकल। हाँ बेना मुझे जाने दो, और ये सब लोगों को कल एक शादी अटेंड करनी है, अहमदाबाद में ही शादी है। बेना मुझे निकलने दो, एक काम करता हूँ कल मैं तुम्हें फोन करता हूँ। बेना टप्पू और बहू का ख्याल रखना।
बस बस भाई पैर क्या आपको नहीं बापूजी को लग रहा हूँ। अच्छा बापूजी जी तो रहे जीजा जी बहन का ख्याल रखना। अरे बेना निकलता हूँ। चलो भाई चलो यार भाई बस चलाते वक्त छोड़ मत जाना। चलो ए आओ जो जीजा जी। हाँ निकलो भाई निकलो चलो। ए आओ जो बेना आओ जी भी ना। ए जाने दो भाई जाने दो। अरे भाई जाने दो। ए जीजा जी लगता है कि गाड़ी चालू नहीं हो रही है आके जरा धक्का लगा दो ना। ए हो गई जीजा जी रहने दो रहने दो जाने दो जाने दो। ए आओ जो आओ जी भी ना। हाँ भाई हाँ चलो टपो। ए टपो ये भाई ये बच्चों को क्यों उठा रहा है। अरे घर आ गया तो ऊपर नहीं ले जाना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई आप वर वधु को ऊपर लेकर आइए मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। हाँ चलिए जल्दी से बाजू में हट जाइए। अरे उधर भी दरवाजा था वहाँ से नहीं उतर सकते थे। अभी जाती हूँ। नॉनसेंस टपो टपो बेटा उठो टपो कल स्कूल जाना है ना सुबह जल्दी। चलो उठो उठो बेटा आजा चलो आराम से बेटा आराम। चलो चलो। अरे क्या चलो चलो बहू को कौन उठाएगा। अरे उठा उठ उठा आजा बेटा। तो अच्छा टपू उठा ओ, ओ, ओ। यार से उठाना नाम क्या है इसका। टीना टीना ये भगवान टीना बेटा बेटा टीना उठा बेटा घर आ गया। चलो छोटी बहू उठ जा बेटा आ जा। हाँ संभाल के आना आ जा। आप मुझे उठा लीजिए। बापूजी क्या बापूजी उठा ले। दादाजी अरे कहाँ जा रहा है घर यहाँ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाथी चल आ जा मेरा लाडला आ जा। जागो बेटा जाग जाग भाई जाग। आइए पधारिए नव दंपति जी नए ते घर में करिए गृह प्रवेश। आइए पधारिए नव दंपति जी। आइए दया दया ए दया ये टाइम नहीं अभी गरबा करने का क्या तुम बस बस नींद आ रही है सबको इधर। हाँ हाँ बहू बेटा अब अपने पैर से ये कलश गिराओ। क्यों रिवाज है पर रीजन क्या है। रीजन मम्मी रीजन नहीं रीजन यानी वजह कारण कारण। देखो मेरी माँ ने कहा है कि पूरी बात समझे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। अरे वो बेटी कारण हम बाद में बताएंगे। हाँ चलो अभी पैर मार दो ना। ओके। अरे सॉरी ये तो गिर गया। अरे बेटा एक ही बार मारने का था। अच्छा चलेगा अब देखो वो थाली है ना उसमें पैर रखो और फिर अपने कुमकुम कदम घर में रखो बेटा। क्यों रिवाज है। देखो अगर टप्पू कदम रखेगा तो ही मैं कदम रखूंगी। मैं अकेली अपने पैर लाल कलर वाले नहीं करने वाली हूँ। मैं कदम नहीं रखूंगा तो मैं भी नहीं रखूंगी। अरे तो मैं रख देता हूँ चलो ना भाई। अरे जेठिया टप्पू पैर रख दे। जी दादाजी आओ आओ। हाँ अरे वाह चलो बहू अब आप कुमकुम कदम रखो। अब कदम रखो। हाय हाय
अच्छा तो आप लोग कहाँ रहोगे? मतलब हम लोग यहीं रहेंगे, अभी हमारे साथ तुम भी यहाँ रहोगी, ऐसा? देखो टीना, इस बार दादाजी की वजह से मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन अगली बार नहीं मानूंगा, समझी? टपुक। हेलो, आप मेरे टपुक को मत डांटो, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है। देखो बेटा, मैं टपू से ये कह रहा था क्या, लड़ो मत। मैं यहाँ लड़ूंगी नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि ससुराल में प्यार से रहना चाहिए। वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारी माँ के। इसकी माँ के विचार कितने उच्च हैं, वो तो मैं ही जानता हूँ। और माँ ने ये भी कहा है कि अगर प्यार से रहना हो तो खुश रहना चाहिए, इसलिए मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी आप सब की है। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हें खुश ही रखेंगे। हा? चलो बेटा, अब अंदर जाके पूजा कर लेते हैं। हाँ पेट पूजा, मुझे बहुत भूख लगी है, टप्पू पिज्जा खाना है। पापा पिज्जा का ऑर्डर दे दीजिए। ए पिज्जा वाली, घर में जो खा लो चुपचाप, इतनी रात को कौन सा पिज्जा वाला खुला होगा। ओ फो टप्पू, तेरे पापा इतनी रात को कितना चिल्लाते हैं। डोंट वरी, उनकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। सॉरी? सॉरी? मैंने सॉरी वाला क्या काम किया ऐसा? क्या आप भी? अरे क्या आप भी क्या? घर में बहू आई है फिर भी समझते नहीं है, हर वक्त वड़का भरने का चालू ही है। अरे पापा, टीना को आप ऐसे मत डांटिए, तो ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। ये नाक वड़ी, एक लाफा लगाऊंगा ना, शादी को 3 घंटे नहीं हुए और पीछे पत्नी का पालतू हो गया। सासू मॉम, टप्पू के पापा टप्पू को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं और आप खड़े खड़े देख रहे हो। देखो वो बेटा। ये भाई, ये जेठिया। बस हाँ, बहुत हो गया, कब से देख रहा हूँ तेरा नाटक, क्या है तुझे? अरे अभी अभी तो दोनों की शादी हुई है और तू डांट रहा है। सॉरी, अभी मैं चुप रहूंगी, रहूंगा। सासू मां, मुझे बहुत नींद आ रही है, I'm very tired. नींद आ रही है तो टायर की क्या जरूरत है? मम्मी टायर्ड का मतलब टायर नहीं, थक गई है वो, उसे सोना है। अरे तो सोना है, मैं ऐसे एक्शन क्या कर रहा है, तेरी माँ को इतना हिंदी तो आता है। हाँ, चल बेटा कपड़े बदल ले। गुड नाइट टप्पू। गुड नाइट। और ब्रश करके सोना। चल बेटा, चल तू भी आगो हटने अवे। चले बापूजी, दया और टप्पू, 3 लोग थे मेरी बैंड बजाने के लिए, अभी 4 हो गए। टूट गया, यकीनन आज मेरा विश्वास टूट गया। पूरा विश्वास था मुझे कि टप्पू और टीना की शादी नहीं होगी, लेकिन हुई साहब, ये बाल विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। जेठालाल की जिंदगी में वैसे ये तनाव क्या कम थे, चंपक चाचा, दया भाभी, टप्पू, अब जुड़ गए उस पर टीना, इतनी सी बहू। हे भगवान, क्या होने वाला है पता नहीं, धमाके तो जोरदार होंगे। हालांकि एक बात है जो मैं आपसे आज छुपा रहा हूं, वैसे मेरा और आपका रिश्ता बहुत पारदर्शी है, उसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने सोचा पहली बार आपसे कुछ छुपा लिया जाए। अब क्या छुपा रहा हूं ये तो आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तब तक आप ये देखिए कि ये नई बहू आने के बाद जेठालाल के घर में क्या धमाके करती है। बहुत सारे धमाके, बहुत सारी मस्ती, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।